दोस्तों टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने रनों और शतकों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप मैच में फैंस को कुछ हटके देखने को मिला। विराट कोहली ने इस मैच में अपने धांसू गेंदबाजी से फैंस को खूब एंटरटेन किया है। मजे की बात यह रही कि विराट कोहली ने नीदरलैंड के खिलाफ इस वर्ल्ड कप मैच में एक विकेट भी चटकाया है। विराट कोहली ने लगभग 10 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में विकेट झटका है। विराट कोहली ने इससे पहले वनडे इंटरनेशनल में विकेट 31 जनवरी 2014 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में लिया था। विराट कोहली ने उस वनडे मैच में 7 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट झटका था। कोहली ने उस मैच में न्यूजीलैंड के तत्कालीन कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को 23 रन के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा के हाथों कैच करवाया था। न्यूजीलैंड ने भारत को इस मैच में 87 रनों से हराया था। नीदरलैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के मैच में विराट कोहली ने लगभग 10 साल बाद एक बार फिर वनडे इंटरनेशनल में विकेट लिया है। अनुष्का शर्मा के रिएक्शन की बात करें तो दोस्तों विराट कोहली ने नीदरलैंड की पारी के 25वें ओवर में डच कप्तान स्टॉट एडवर्ड को अपना शिकार बनाया। विराट कोहली ने 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीदरलैंड के कप्तान स्टॉट एडवर्ड को विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। स्कॉट एडवर्ड 17 रन बनाकर भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली का शिकार बन गए। स्कॉट एडवर्ड का विकेट लेते ही विराट कोहली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विकेट लेते ही कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा की तरफ इशारा करते हुए जश्न मनाने लगे। अनुष्का शर्मा भी विराट कोहली के विकेट चटकाने पर खुश होकर झूम उठी। अनुष्का शर्मा का गजब का रिएक्शन देखकर फैंस भी हैरान रह गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बॉलर मानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।